Today again we'll do grammar practice through revision model paper. This is fifth one, right? So first question is, we have to fill correct forms of verb. I wonder if I dash get tickets in advance. कोई कह रहा है कि मुझे हैरानी है कि मुझे टिकट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो I would get. तो जैसे वुड होता है हम इसको प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लाइक दैट. आई डैश फिनिश माय वर्क. नाउ हियर टाइम इज नॉट गिवन. मैंने आपको सिखाया कि हमें टाइम नहीं दे रखा है तो हम भरेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. सो आई हैव. व्हेन टाइम इज नॉट गिवन एंड एन एक्टिविटी इज शोन, देन वी विल फिल प्रेजेंट परफेक्ट. It dash rains since morning. If in sentence there is since and for. If in the sentence there is since and for, then we will use present perfect continuous. So it has been raining. ये कह रहे हैं कि सुबह से बारिश हो रही है. सुबह से शुरू हुआ है और अभी तक बारिश हो रही है. Second question is, we have to fill articles. What are we having for lunch? So we never use article before meal. हम meal से पहले कभी भी article use नहीं करते हैं. लेकिन वो जो meal है, अगर वो किसी ने party हमें दी है, birthday की party है, शादी की है, तो हम article use कर सकते हैं. लेकिन normal, अगर हम normal बात कर रहे हैं, साधारण बात कर रहे हैं, तो हम meal के आगे article use नहीं करेंगे. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने lunch में क्या खाया, तो हम article use नहीं करेंगे. No article. She thanked me for that present I gave her. So here we use the. क्योंकि जो ये present है, ये particular present है. उसने मुझे शुक्रिया किया उस present के लिए जो मैंने दिया. तो ये जो present है, ये उपहार है, ये particular हो चुका है. तो जब आप किसी विशिष्ट चीज की बात करते हैं, तो आप use करते हैं the. That is why the. That elephant is very strong. मैंने आपको बताया है काफी बार कि जब हम किसी वर्ग की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, तो हम आर्टिकल यूज नहीं करते. क्योंकि यहाँ पे हम किसी एक हाथी की बात नहीं कर रहे हैं. हम हाथी जो जानवर है, जो हाथी वर्ग है, जानवरों का जो वर्ग है हाथी, हम उसकी बात कर रहे हैं कि हाथी एक स्ट्रांग एनिमल है. ठीक है, हम एक हाथी की बात नहीं कर रहे, इसीलिए हम यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट है आपका मोरास फिल करना है. Does you have a cup of tea? तो जब हम किसी को ऑफर करते हैं कि क्या आप कॉफी लोगे या आप चाय लोगे, तो आप यूज करते हैं would. So ये आपके लिए रूल है. So we use would in case of offer. जब हम कह रहे हैं चाय लोगे या आप कॉफी लोगे या आप इस कमरे में विश्राम करोगे या. लेकिन there should be question mark. Sentence के एंड में question mark जरूर होगा. तो this you have to see. If you work hard, you dash pass. This is your condition. ये condition है कि अगर आपने मेहनत की होती तो आप पास हो सकते थे. This is called condition clause. So in condition clause we use would. हम would use करेंगे. This is the rule. कि पास में possibility है तो हम क्या use करते हैं, would. अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो सकते थे. So the things I have underlined with pink color. These are the rules. You should write in a notebook and learn. We dash to Sarovar country. ये sentence कहता है कि हमें अपने देश की service करनी है. ठीक है, हमें अपने देश की इज्जत करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए. तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है. जब आपके नैतिक कर्तव्य की बात होती है, ऐसे बड़ों के पैर छूना, छोटों को प्यार करना, गरीबों की मदद करना, बेसहारों को सहारा देना, ये हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं. सो नैतिक कर्तव्य में आप फील करते हैं ought to या should. सो यहाँ पे हमारे सेंटेंस में टू ऑलरेडी गिवन है. अगर टू गिवन है तो आपको ought फील करना पड़ेगा. ought. आप ऑट भी फील कर सकते हैं और आप शुड भी फील कर सकते हैं. बट सेंटेंस में अगर टू होगा तो आपको ऑट लगाना पड़ेगा. ये आपका रूल है नैतिक कर्तव्य में, ऑट टू या शुड. नेक्स्ट है बेटा विल फिल नॉन फाइनाइट. नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो चेंज नहीं होती है सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार. ठीक है, वो चेंज नहीं होती, उसको नॉन फाइनाइट कहते हैं. तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है लेट मी डैश होम. हमारा वर्क है गो. तो अगर आपको कोई भी सेंटेंस में
आप कई बार अपने फ्रेंड से बोलते हो लेट अस गो टू पार्टी, है ना, लेट अस वॉच मूवी, तो लेट के बाद हमेशा आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेना है। ये आपका सिस्टम हो सकता है, स्ट्रक्चर, लेट के बाद सब्जेक्ट। अगर लेट के बाद सब्जेक्ट है और तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। सो लेट मी गो, मुझे घर जाने दो। आई लाइक डैश माई रूम, सो I like keep my room clean. I like what? मुझे क्या पसंद है? I like cleaning my room. So यहाँ पे जीरंड आएगा। I like to keep my room clean. क्योंकि keep का keeping बनता ही नहीं, keeping बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन like के साथ हमेशा हम to use करते हैं। जैसे I like to help others. I like to enjoy the party. I like to dance. तो आप अपने नॉर्मल देखो, जब आप इंग्लिश में बातें करते हैं या आप किसी से सुनते हैं तो हमेशा लाइक के साथ टू आता है ना। आई लाइक टू बिकम डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर होता है ना। आई लाइक टू परचेज दिस, मैं ये खरीदना चाहता हूँ। तो आप ऐसे याद करो कि लाइक होगा तो आप उसके साथ, लाइक अगर है तो आप उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट, इसको आप लर्न कर लीजिए लाइक दिस। नेक्स्ट इज my watch keep on dash, हमारा verb है stop। देखिए keep के बाद on है, keep on हमारा verbal phrase है, prepositional phrase है, keep on। तो prepositional phrase में हमेशा gerund use होता है। gerund तो मतलब जो भी verb given है उसमें आप ing लगा दो, और gerund मतलब verbal noun। So my watch keep on stopping। अब वो कह रहे जो मेरी घड़ी है वो बीच बीच में बंद होती रहती है, मेरी घड़ी है वो बीच बीच में बंद होती रहती है। सो हमें याद क्या करना है कि अगर आपकी वर्ब के बाद प्रेपोजिशन है, इट मीन्स अगर आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो आपको जो भी वर्ब गिवन है उसमें आईएनजी लगाना, ठीक है। और नॉर्मली प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद जीरंड आता है, इसको हम जीरंड कहते हैं वर्बल नाउन। नाउन बेटा आपको नेक्स्ट करना है पंक्चुएट करते हैं, ठीक है, पंक्चुएट करते हैं, इसी में पंक्चुएट करते हैं हम लोग। अलास माई डॉग इज थर्स्टी, सेड द ओल्ड वुमन। ओल्ड मैन ने कहा, बूढ़े इंसान ने कहा कि मेरा जो डॉग है वो प्यासा है। तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है। तो अलास का ये कैपिटल, ठीक है, अलास का ये कैपिटल, क्योंकि ये ओल्ड मैन कह रहा है इसलिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। अलास माई डॉग इज थर्स्टी, यहां तक ये हमारा दिस इज अवर इंटरजेक्टिव सेंटेंस, ये हमारा इंटरजेक्शन वाला सेंटेंस है, ठीक है। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पर आपका एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। ओल्ड मैन ने ये बातें कही है तो यहाँ पे आपका ये क्लोज हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज होगा। और सैड से पहले हम यहाँ पे कॉमा भी यूज करेंगे क्योंकि हमें इसको जो रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच है जो वो बोल रहा है उसको इससे अलग करना है, ठीक है। सैड द ओल्ड मैन और एंड में फुल स्टॉप। So, इस तरीके से इसको पंक्चुएट करेंगे। नेक्स्ट देखो, द हिमालयाज आर इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। सो सेंटेंस फर्स्ट है कैपिटल द हिमालयाज, प्रॉपर नाउन है एच कैपिटल, द हिमालयाज आर इन नॉर्थ एंड कैपिटल डायरेक्शन का नाम है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम कैपिटल लिखते हैं। इंडिया, इंडिया इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन, सो आई कैपिटल एंड नाउ फुल स्टॉप एस। दिस इज वी हैव पंक्चुएट दिस। Now next बेटा, our prime minister knows Hindi, Punjabi, Urdu. Our prime minister, O capital, first letter of sentence always capital. Our prime minister knows Hindi, H capital, because proper noun, name of a language. Now after Hindi, Punjabi is there. So these are two noun. So we have to separate by comma. दो languages के नाम हो गए, इसलिए इसे comma separate. Now Punjabi भी P capital. प्रॉपर नाउन है, लैंग्वेज का नाम। लास्ट नाम को हम पहले वाले नाम से जोड़ते हैं एंड की मदद से, एंड, ओके, एंड एंड में फुल स्टॉप। तो ये कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को हिंदी भी आती है, पंजाबी भी आती है और उर्दू भी आती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। द लिटिल गर्ल सेड टू मी दिस इज माई डॉग, सो द लिटिल गर्ल सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, ठीक है। सो द लिटिल गर्ल टोल्ड, सैड टू को हमने चेंज किया टोल्ड में। नाउ हम इसको कनेक्ट करेंगे सैड के साथ विद हेल्प ऑफ दैट, कनेक्टर हमेशा दैट होता है। सिंपल सेंटेंसेस में, एसर्टिव सेंटेंस में कनेक्टर दैट होता है,
ठीक है. सो द लिटिल गर्ल टोल्ड मी दैट दिस वॉज हर डॉल. अब देखो यहाँ पे क्या है, टू मी दिस इज माई, ये माई कौन है, फर्स्ट पर्सन है, माई कौन है, माई अपने लिए किसने यूज किया, इस गर्ल ने, इस गर्ल ने अपने आप के लिए माई यूज किया है. तो हम माई को कैसे चेंज करेंगे गर्ल के अकॉर्डिंग, तो हम इसीलिए हमने वहां पे क्या यूज किया है, हर. ठीक है, तो छोटी सी लड़की ने मुझे बताया कि वह उसकी डॉल थी. टेंस तो चेंज होगा क्योंकि हमारे रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में है, इसीलिए हमारा टेंस चेंज करना पड़ेगा. और इसको हम किस में चेंज करेंगे, वॉज में. नेक्स्ट है आपका, शी सेड टू मी आर यू गोइंग आगरा टुमारो. सो ये हमारा दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में. अगर आपका जो सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव है, तब आपको सेड टू को चेंज करना है आस्क्ड में. तो शी सेड टू मी तो हो जाएगा शी आस्क्ड मी. देखो आपको इसके केवल हाफ मार्क्स मिलेंगे. सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया तो हाफ मार्क्स मिलेगा. फिर आपने अगर कनेक्टर ठीक लगाया तो हाफ मार्क्स मिलेगा. अगर आपका प्रोनाउन ठीक है फिर हाफ मार्क्स मिलेगा. अगर आपका टेंस ठीक है फिर हाफ मार्क्स मिलेगा. तब जाके वन मार्क्स आता है, ओनली वन मार्क्स. तो उसके लिए कितनी मेहनत हमें करनी पड़ती है. शी सेड टू मी, तो शी आस्क्ड मी. नाउ इफ योर इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बताया था इज एम आर है, वॉज वर्ब है, हैज एंड हैड, तो आप इफ से कनेक्ट करेंगे. ओके, इफ से कनेक्ट करेंगे. तो शी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू आगरा नेक्स्ट डे. और टुमारो का क्या बनेगा, नेक्स्ट डे. टुमारो का मतलब आने वाला दिन, तो नेक्स्ट डे हो जाएगा. नाउ हमारा टेंस में चेंज होगा, ये आर यू गोइंग इट मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस. सो अभी यू कौन है, यू है आपका सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से. सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. इसमें ऑब्जेक्ट में क्या है, मी. तो हम क्या कहेंगे, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अगले दिन आगरा जा रहा था, ऐसे. सो इस तरीके से चेंज हो गया, टेंस में चेंज होता है. नाउ लास्ट है आपका, द प्रिंसिपल सेड टू द पियन रिंग द बेल. अब देखो प्रिंसिपल ने बोला है पियन को कि बेल बजाओ, तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है. इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है. दिस इज रिंग, रिंग द बेल, तो दिस इज वर्ब. तो जो आपका सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है. नाउ इंपेरेटिव सेंटेंस को आपको अगर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो इन बातों का ध्यान रखो. इंपेरेटिव स्पीच में, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है सैड टू, इसको आप चेंज कर सकते हो रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, कमांडेड, ऑर्डर, इस तरीके से सेंटेंस के हिसाब से वर्ब ले लेंगे हम. अब यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है तो पीएम को ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल बड़े होते हैं, पीएम छोटे होते हैं, तो कर सकते हैं. तो हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑर्डर, तो हमने सेट को किस में चेंज किया, ऑर्डर में. उसके बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो भी वर्ब गिवन है उस वर्ब को कनेक्ट कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू के साथ, टू, टू को यूज करके. तो यहाँ पे देखो द प्रिंसिपल ऑर्डर पीएम टू रिंग द बेल. तो जो भी वर्ब आपको गिवन है उस वर्ब को कनेक्ट कर दो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू की मदद से, और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो ये देखो आपके लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया कि ये वर्ब यूज कीजिए, उसके बाद टू, उसके बाद जो भी वर्ब गिवन है उसकी फर्स्ट फॉर्म. तो ये बन गया आपका द प्रिंसिपल ऑर्डर पीएम टू रिंग द बेल. प्रिंसिपल ने पीएम को ऑर्डर किया कि वो घंटी बजाए. सो घंटी बजाओ, एक टीवी चैनल है ना घंटी बजाओ, तो उसमें भी हम लोग नई नई बातों को सीखते हैं, जानते हैं. तो आप भी नई नई चीज़ें सीखो, जानो और प्रैक्टिस करो. सो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये ग्रामर इजी भी नहीं लगेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे. आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए ही हम रोज ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आपको अच्छा भी लग रहा है. थैंक यू.